नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे ज्योतिषीय योग पर चर्चा करेंगे जो कि धन के लिए काफी अच्छा योग माना जाता है। कौन सा योग है, कैसे बनता है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, योग का नाम है चंद्र मंगल योग। और चंद्र मंगल योग कैसे बनता है देखते हैं। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल ग्रह किसी भाव में एक साथ बैठे हों, देखिए, जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ किसी भी भाव में बैठे हो, अर्थात चंद्र मंगल की युति किसी भी भाव में हो, तो चंद्र मंगल योग का निर्माण होता है। और चंद्र मंगल योग के फल क्या होते हैं हमें वो देखना है। पहले हम जो हमारी ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकें हैं उनको देखते हैं कि इस फल के बारे में हमारी ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकें क्या कहना चाहती हैं या क्या कहती हैं उसको देखते हैं। फिर उन फलों को हम आज के संदर्भ में लगा के देखेंगे कि इस आधुनिक संदर्भ में वह फल किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन ज्योतिषीय पुस्तकों के अनुसार यह योग धनदायक, कदाचार या असामाजिक साधनों से आए माता वे अपने अन्य संबंधियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला। जो हमारी ज्योतिष की प्राचीन पुस्तकें हैं वो कहती है कि जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में यह योग विद्यमान है वह धनवान होगा, परंतु आय का जो माध्यम होगा वो असामाजिक होगा। उसका अपनी माता तथा अपने अन्य संबंधियों के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, हमें अब इस सूत्र को देखना होगा, क्या हर जातक या जातिका के साथ ऐसा होता है। हमें इस चीज को देखना होगा, क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी योग लिखे हैं वो एक कैप्सूल के रूप में लिखे हैं, संक्षिप्त रूप में लिखे हैं। हमें उसका विस्तार करके देखना होगा, क्योंकि एक योग बहुत सारी बातों को कहता है, बताता है। हमें प्रत्येक पहलू के बारे में समझना होगा, फिर उस योग के बारे में देखना होगा कि वो योग क्या कह रहा है। क्योंकि जो भी चीज ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है वो गलत तो नहीं होंगी, हमें उस सूत्र को समझना होगा और उसको लगा के हर एक उसका पहलू देखना होगा, तभी हम किसी सूत्र को समझ पाएंगे। अब यहां पे हम इस सूत्र को विस्तार पूर्वक या विस्तार करने का प्रयास करते हैं। देखिए कि क्या हर जातक या जातिका के लिए ऐसा ही होता है या नहीं होता, उसकी आय असामाजिक साधनों से होती है या अच्छे साधनों से होती है, हमें इस चीज के बारे में यहां पे चर्चा करनी होगी। देखिए, किसी भी योग के लिए जब हमें किसी भी अगर योग के फलों को देखना होता है तो सबसे पहले यह देखिएगा कि जो ग्रह योग बना रहे हैं वो कैसे ग्रह हैं, और उसके बाद में कैसे भावों के स्वामी हैं और कहां बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए जो ग्रह योग बना रहे हैं मित्र ग्रह हैं, अच्छे भावों के स्वामी हैं और अच्छे स्थानों में बैठे हुए हैं, तो उस योग का फल अच्छा मिलेगा और वृद्धिदायक उस योग का फल मिलता है। इसी प्रकार से हमें इस योग को भी देखना होगा कि यह योग किस प्रकार से फेवरेबल और अनफेवरेबल रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें चंद्र मंगल योग के बारे में बात कर रहे हैं तो चंद्र मंगल योग के लिए हमें पहले यह देख लीजिए, जैसे कि चंद्रमा और मंगल यहां पे दोनों मित्र ग्रह हैं। अब ये किन किन लग्नों के अंदर फेवरेबल है और किन लग्नों के अंदर अनफेवरेबल है पहले वो डिसाइड कीजिए, फिर कहां बैठे हुए हैं
और कैसी स्थिति में है, उसके हिसाब से ही ये फल देंगे। तो हमें पहले हम इसके पॉजिटिव पहलू को लेते हैं कि अगर यह योग चंद्र मंगल योग अगर मान लीजिए सिंह लगन में बनता है या कर्क लगन में बनता है या धनु लगन में बनता है या मीन लगन में बनता है या मेष लगन में बनता है या वृश्चिक लगन में बनता है, तो यहां पे चंद्र और मंगल अच्छे स्थानों के स्वामी होकर इस योग का निर्माण करेंगे। अगर ग्रह अच्छे भावों के अच्छे स्थानों के स्वामी होकर योग बनाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र गुरु और मंगल ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, और जब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं तो अपने एक दूसरे की लग्नों के अंदर आपस में कारक या योग कारक बन जाते हैं, और जब ग्रह योग कारक होके युति करता है तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और यहां पे देखिए हमने चंद्र और मंगल योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब भी इस योग को देखें तो यह देख लीजिएगा जो जन्म पत्रिका है वो कौन से लग्न की जन्म पत्रिका है, कि जो लग्न में किस ग्रह की राशि है, कौन सी राशि है और किस लग्न की पत्रिका है, उसके हिसाब से पहले आप डिसाइड कीजिएगा जो ग्रह योग बना रहे हैं वो कौन कौन से भावों के स्वामी है। दूसरा, अगर यह योग केंद्र में बने, केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7 और 10, अगर केंद्र स्थान में बने, त्रिकोण में बने, जो लग्न है वो केंद्र भी है त्रिकोण भी है, 1, 5, 9, अगर इन भावों में यह योग बने या दूसरे भाव में बने, दूसरा भाव ये हमारा धन स्थान है या 11वें भाव में बने ये हमारा लाभ स्थान है, अगर इन स्थानों में बने तो इस योग के अच्छे फल मिलते हैं। उसके साथ साथ में अगर इस योग पर शुभ प्रभाव हो और बली स्थिति इस योग की हो, शुभ प्रभाव का मतलब है कि उस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, दृष्टि हो, संबंध हो, और एक अगर मान लीजिए किसी योग पर अगर ना तो कोई शुभ प्रभाव हो और ना ही कोई अशुभ प्रभाव हो, वो भी एक अच्छी स्थिति होती है। बली स्थिति के बारे में आप कह सकते हैं कि जो ग्रह योग बना रहे हैं वो अपनी राशि में, मित्र राशि में, उच्च राशि में बैठे हो, अच्छे स्थान में बैठे हो, तो वो भी उसकी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, बली स्थिति मानी जाती है। अगर यह योग इस कंडीशन में होगा जो मैंने आपको बताई कि अपने मित्र ग्रह की लग्न में अगर यह योग बनता हो, अच्छे स्थानों में बनता हो और उसका अच्छा प्रभाव हो, सुप्रभाव हो या उस पर कोई असुप्रभाव नहीं हो, तो ऐसा योग अच्छा फल देता है। और फल कब देता है, जब अगर मान लीजिए यहां पे हम चंद्र मंगल योग की बात कर रहे हैं, अगर चंद्र मंगल योग फेवरेबल है तो चंद्र और मंगल जब इनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा, कहने का तात्पर्य है जब इन ग्रहों का दशा पीरियड आता है तो अच्छा परिणाम, फेवरेबल परिणाम जातक के लिए वृद्धि कारक जो समय होता है, ये हमने देखा उसका एक पॉजिटिव पक्ष कि, और ये देखा कि जातक की जो आय अच्छे स्थान अच्छे माध्यम से भी होगी, उसका जो संबंध है अच्छा, अन्य जो हमारे संबंधी है उनके साथ अच्छा भी होगा, क्योंकि यहां पे यह योग फेवरेबल योग बन रहा है। वहीं पे अब इसका दूसरा पक्ष लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी जातक या जातिका की आप जो कुंडली देख रहे हैं, अगर वह बुध की अगर लग्न है, मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है, या शुक्र की लग्न है, मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है या तुला लग्न की कुंडली है, फिर शनि की राशियों को लेते हैं कि अगर मकर लग्न की कुंडली है या कुंभ लग्न की कुंडली है, कि लग्न में कौन सी राशि है और उसके हिसाब से ये जो योग है कैसा बन रहा है, क्योंकि बुध शुक्र और शनि अगर इनकी लग्न है तो इन लग्नों में चंद्रमा और मंगल
जो है अच्छे स्थानों के स्वामी नहीं होते हैं। और जब किसी भी लग्न या कुंडली के अंदर देखिए, जब जो ग्रह योग बना रहे हैं अगर वह है अच्छे भावों के स्वामी नहीं है तो वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में अगर यह योग मान लीजिए विपरीत भावों में बने, जैसे कि 3, 6, 8, 12 अगर ऐसे भावों में बने तो भी वहां पे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। और तीसरा, अगर ऐसे योग पर अशुभ प्रभाव हो तो भी वहां पे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहां पे अलग अलग आपको दो कंडीशन बताई। आप पहले यह देख लीजिएगा कि आपकी जो जन्म पत्रिका है किस लग्न की है, लग्न में कौन सी राशि है, उसके हिसाब से अपने जो योग बना रहे हैं किन किन भावों के स्वामी है वहां डिसाइड कीजिएगा, कहां बैठे हुए हैं कि फेवरेबल भावों में बैठे हैं या अनफेवरेबल भावों में बैठे हैं, और जो योग बना रहे ग्रह हैं उन पे कैसा प्रभाव है, उसी के हिसाब से वो अपनी दशा अंतरदशा या दशा पीरियड में फल देंगे। और जब यह योग अगर अच्छा होगा तो अच्छा धनदायक और अच्छे साधनों से आय प्राप्त कराने वाला और उसका अच्छा संबंध अन्य के साथ होगा। और अगर वो अनफेवरेबल लग्नों में होगा, अनफेवरेबल भावों में बनेगा और इस योग पर अगर अशुभ प्रभाव होगा तो जातक के लिए जो आय का साधन असामाजिक साधनों से हो सकता है। यहां पे इस कंडीशन में हम इस चीज को देख सकते हैं, इसलिए हमें दोनों पहलू देखने जरूरी है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो चंद्रमा है मन और माता का कारक है, संवेदनशील है, भावुक है, वहीं जो मंगल है वो गुस्से का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, आक्रामकता का कारक है। अगर मान लीजिए यह इस योग पर कोई अशुभ प्रभाव आ जाए, अशुभ भाव में यह योग बन जाए तो मन पीड़ित होगा, तो इस वजह से हो सकता है कि उसका अन्य जो संबंधियों के साथ में संबंध अच्छा ना रहे, क्योंकि यहां मानसिक स्थिति प्रभावित तो हो सकती है। इसलिए मैंने कहा आपको कि किसी भी योग के लिए पहले आप उस योग को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि योग संक्षिप्त रूप में लिखे गए हैं, उसको हमें दोनों पहलू पे हमें बात करनी होगी। और हमने आपको बताया कि जन्म कुंडली में चंद्रमा और मंगल ग्रह किसी भाव में एक साथ बैठे हों, पर इस योग का जो असर है, अगर कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के सम सप्तम कहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने भी बैठे हो, शुभता में हो, अच्छे भावों में बैठे हो, तो भी इसके जो फल हैं वो पॉजिटिव फल मिलेंगे। तो हमें ये चीज देखना चाहिए। इस योग को मैंने आपको बताया, तो आशा करता हूं कि यह योग आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।